नाजी ये तोता बाहर निकल आया है और ये अब एक फाइल उठाएगा। ये उसने फाइल सिलेक्ट कर ली और ये बाबा जी ने फाइल निकाल ली। ये नवाज शरीफ के मतलब फाल निकली है, तोते ने निकाली है, पेशगोई की है। बुजुर्गों ने दीन के हिसाब से राजे महाराजे जो काम करते रहे उन इस पर यकीन करते रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक पेज डेली पॉइंट। नाज़रीन, आज मैं एक ऐसे बंदे के पास आया हूँ जो कि फाल निकाल के बताएगा कि मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान आएंगे या नहीं आएंगे और उनके आने के बाद मुल्क की मईशत पे क्या फ़र्क पड़ेगा, पाकिस्तान में क्या क्या तब्दीलियाँ आएंगी। मैं एक ऐसे शख्सियत के पास मौजूद हूँ जिनको अगर उस्मान आपको दिखाए तो इन्होंने तोता रखा हुआ है और ये तोता फाल निकालता है। फाल के बारे में कहा जाता है ये इस्लामी तरीक़ेकार है और इस्लामी तरीक़ेकार में पुराने लोग जो बुजुर्गाने दीन थे वो भी इसी तरह किया करते थे कि अपनी ज़िंदगी का जो अहवाल आने वाले दिनों में वो चेक करना चाहते थे, वो तोते से फाल निकलवाते थे कि हमें पता चल सके कि हम आने वाले दिनों में हमारे साथ गुड लक है या बैड लक चल रही है। तो आज हमारा जो सवाल है वो ये है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आएगा या नहीं आएगा, और अगर वापस आएगा तो क्या वो जेल जाएगा, क्या सूरत हाल होगी। इस वक्त बाबा जी तोते वाले मेरे साथ मौजूद हैं, अभी अपना तोता निकालेंगे। क्यों जी बाबा जी तोता निकालें, बुलाएं जरा इसको। ये तोता निकाल कर बताएगा नवाज शरीफ आएगा कि नहीं आएगा, अभी पता चल जाएगा। ये तोता इसके मतलब पेशगोई करके बता सकते। बिल्कुल जी बिल्कुल नाजी, ये तोता बाहर निकल आया है और ये अब एक फाइल उठाएगा। ये उसने फाइल सिलेक्ट कर ली और ये बाबा जी ने फाइल निकाल ली। बाबा जी बताएंगे कि नवाज शरीफ वापस आएगा कि नहीं आएगा। ये नवाज शरीफ के मतलब फाइल निकली है, तोते ने निकाली है, पेशगोई की अच्छे तरीके से। वो बोल रहा है ये नवाज शरीफ की तरीको पाकिस्तान आएगा कि जो हालात ना मुल्की जो पीछे 5-6 साल से ज़्यादा ख़राब है वो सही कर देगा और गरीब आवाम को खुशहाल करेगा, उसके मतलब अच्छा सोचेगा। लेकिन जो कारोबार बंद पड़े हैं, फैक्ट्रियाँ मिले जो सब कुछ दोबारा यानी कि बहाल हो जाएंगी। जो महंगाई है उसको नीचे कर देगा, डॉलर भी नीचे चला जाएगा और बिजली भी सस्ती करेगा। इसमें यह लिखा है कि नवाज शरीफ दोबारा वज़ीर आज़म बन सकेगा। ये नवाज शरीफ जब उसको जो सीट मिलेगी उसके मतलब वो नवाज शरीफ इंशाल्लाह कामयाब हो जाएगा, आवाम उसके पीछे। अब आवाम उसके पीछे नाज़रीन, तोते ने जो फाल निकाली है उसमें ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि नवाज शरीफ वापस आएगा और नवाज शरीफ को एक सीट मिलेगी। उसमें वज़ीर आज़म का जिक्र नहीं किया गया, लेकिन उसको एक सीट मिलेगी जिसमें वो पूरे मुल्क के हालात ठीक कर देगा, मईशत को बेहतर कर देगा, कारोबार का पहिया जो रुका हुआ है वो चल पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है जो मैं आपको दे रहा हूँ, और ये तोते की फाल ने जो है ये सब कुछ आवाम के सामने रख दिया। बड़ी सारी पेशन को यह की जा रही है, मुखालफिन की तरफ से कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ डर गए हैं, नवाज शरीफ नहीं आएंगे। नून के लोग हैं उनका भी 50-50 है कि नवाज शरीफ आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन इन बाबा जी के तोते ने ये बात तो क्लियर कर दी है कि नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को आएगा। पर ये क्लियर नहीं हुई कि नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बनेगा, नवाज शरीफ को कोई एक ऐसी सीट मिलेगी जिससे वो मुल्क के हालात भी बेहतर करेगा और इस मुल्क की तकदीर को बदलेगा। लेकिन आज की फाल और आज के अहवाल जो है वो मैंने आपको बताया, ये पेशन गोई की गई है। बाबा जी से एक बार फिर पूछ लेते हैं, बाबा जी कितने लोग आते हैं दिन में आपसे फाल निकलवाने, और क्या वो आप पे यकीन करते हैं इस बात पे? ये काफ़ी लोग आते हैं फाल निकलवाने के, यकीन भी करते हैं, चीज़ को अच्छे तरीके से मानते हैं। ये बुजुर्गों ने दीन के हिसाब से सालों से साल चलता आ रहा है, बुजुर्गों ने दीन के हिसाब से राजे महाराजे जो काम करते रहे उन इस पर यकीन करते रहे। ये बादशाहों के दौर से चलता आ रहा है, ये राजों महाराजों के दौर से, आज का काम नहीं है, ये पुराना काम है, पुराना नॉलेज है, पुराना फ्यूचर है। ये तोते को किस तरह पता लगता है कि मैंने ये फाल निकालनी है, वो किसी फाल पे सिलेक्ट करता है, आप इसको ट्रेंड करते हैं या ये कुदरती तौर पे है? ये कुदरती तौर पर अपने मुंह मार कर ये फाल उठाता है, ये इसको बताया नहीं जाता यही पर्ची उठानी है आपको, ये अपनी मर्जी से उठाएगा, अपनी मर्जी से निकाल देगा, जो लिखा है वो पढ़ लेते हैं लोग, इस पर अमल करते हैं। बुजुर्गों ने दीन के हिसाब से कोई फजूल बात नहीं होती है, बात नहीं होती। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी बाबा जी। नाज़रीन, आपने इनकी बात सुनी, ये मेरे से एक शहरी मौजूद है, क्यों नवाज शरीफ वापस आएंगे? पता नहीं। नहीं आएंगे नवाज शरीफ वापस आएंगे? क्यों नहीं आने? अच्छा, मुल्क के हालात बदलेंगे? क्यों नहीं बदलेंगे? वज़ीर आज़म बनेंगे? इंशाल्लाह। आप बताए जी? जी इंशाल्लाह जरूर आएंगे और मुल्क की तकदीर बदलेगा। मुल्क की तकदीर बदलेगा, आप बताए नवाज शरीफ आएंगे? जी बिल्कुल आएंगे। मुल्क के हालात बदलेंगे? बदलेंगे बदलेंगे। क्या वज़ीर आज़म बनेंगे? बनेंगे बनेंगे, वज़ीर आज़म भी बनेंगे। आप बताए नवाज शरीफ साहब को लगता है आपको वापस आ जाएंगे? इंशाल्लाह। अच्छा, उम्मीदें हैं आपको नवाज शरीफ? इंशाल्लाह। महंगाई कम होगी? इंशाल्लाह होगी। वो आए रहा तो ये पाकिस्तान बने ना, वरना ये इन्होंने तो लूट दे खा रही है सारा कुछ। इंडिया बस तड़ी है ये जो आ रहा है, तो मंजिल आना या ये वो आए अपना थाने जेबे भरी और साइड पे हो रही है, सजाने खा लिए सारे सजाने। इंडिया वासी है तो लेट नहीं तो साथ जाता,
एक दूसरे पर इल्जाम लगाया हुआ ये तो सिमत है। तो ये नवाज शरीफ पर जो इल्जाम लगाते सिर्फ इल्जाम ही है ये सारों के ऊपर इल्जाम ही लगाए हुए ना इल्जाम लगाए हुए कारोबार बेड़ा दर्द हो गया। ये आप कारोबारी आदमी है ये कारोबार तो खराब करेंगे पहले आप ये बताएं कारोबारी आदमी कारोबार तो खराब करेगा कभी नहीं। ये आप कारोबारी आदमी है लोहे जी ये आप जाते हैं हम कारोबार करे हमारी वहां भी करे ये जो दूसरे जाते हैं बेड़ा दर्द करे नाम बदनाम करे। क्या नवाज शरीफ के आने पे मीनारे पाकिस्तान भर जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा और जब आए ना 31 तो आप देखना हर पास शेर ही शेर होगा इंशाल्लाह ताला हर पास शेर ही शेर होगा। नाज़रीन साल के मुताबिक और यहाँ पे शहरियों के मुताबिक बड़ी हैरान कौन बात सामने आई है कि तोते ने जो फाल निकाली है तोता कह रहा है कि मियां नवाज शरीफ वापस आएगा और मियां नवाज शरीफ को एक ऐसी सीट मिलेगी जिससे वह मुल्क के हालात बदलेगा मईशत की बेहतरी आएगी और इसमें महंगाई कम होगी। लोगों से भी आपकी बात करें लोग भी बड़े पुरउम्मीद हैं कि नवाज शरीफ आएगा तो मुल्क के हालात बदलेंगे। लेकिन आज की पेशन गोई जो है वो आज आपके सामने रखी है। अब देखना यह है कि 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ आते हैं या नहीं आते। तब तक के लिए मैं इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़।